जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दिया गया है कि अगर 2 और -5 और -2 9 के समान अंतर पर हो, ऐसे x अक्ष पर बिंदु शोधो। तो x अक्ष पर बोला है, हमें इसमें y नहीं दिया गया है, इसलिए हम लिख लेंगे x का x और y के लिए 0। इसको हम मान लेंगे P। ओके, तो A हो जाएगा 2 और -5 और B के बिंदु हो जाएंगे -2 और 9। तो अब इसमें देखो क्या बोला है, समान अंतर पर हो। तो समान अंतर पर जब होगा तो सबसे पहले हम पी ए बराबर पी बी यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब हम दोनों तरफ करेंगे, देखो यहाँ पर वर्ग, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। ओके, एक बारी हम पी ए निकाल लेंगे और एक बारी हम पी बी निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों को बोला है कि समान अंतर पर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पी ए निकालेंगे, तो इसके लिए अंतर सूत्र का आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम अंतर सूत्र का इस्तेमाल करते हुए सम को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x माइनस टू का वर्ग प्लस 0 प्लस 5 का वर्ग बराबर x प्लस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये एक फार्मूला बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, बिकॉज ये नंबर तो है नहीं जिसे हम सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस में 2ab, 2 का वर्ग होगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर। अब यहाँ पर भी देखिए फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है वो ए स्क्वायर यानी कि x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab, तो 2ab हो जाएगा 2 दूनी 4 एक्स प्लस 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ओके, 9 का वर्ग 81। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यदि हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस फोर एक्स है, सॉरी ये फॉर्मूला लगाया था ना हमने, तो ये माइनस फोर एक्स। तो अब हम इसको पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले माइनस फोर एक्स और यहाँ से प्लस फोर एक्स का पक्षांतरण किया तो ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर है 25 और 4 कितने हो गए, 25 और 4 हो गए 29। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 81 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा माइनस 8x बराबर 85, 29 का पक्षांतरण तो ये माइनस 29। अब 85 में से 29 को यदि हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 56 यानी कि माइनस 8x बराबर 56। ठीक है, अब x को यहीं छोड़ देंगे, माइनस 8 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, है ना। अब 8 से 56 को काटेंगे यानी कि 8 की टेबल में 56 आता है 7 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 7। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु आ गए देखो वो क्या क्या आ गए, 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से समान अंतर पर क्या होगा, माइनस 7 और 0, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना था ना x। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है बिंदुओं P और Q के बीच का अंतर 10 हो। ठीक है, बीच का अंतर 10 है तो हमें y फाइंड करना है। तो PQ हो जाएगा 10, है ना, क्योंकि इनके दोनों का अंतर है 10 बोला गया है। ठीक है, अब दोनों की तरफ हम कर देंगे स्क्वायर, PQ का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, PQ का वर्ग ही रहेगा और 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो अब हम पी के ओ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पी के वैल्यू दो और सॉरी पी के बिंदु हैं 2 और -3, क्यू के वैल्यू बिंदु हैं 10 और वाई। ठीक है, तो इसको हम अब इस सूत्र से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये भी अंतर सूत्र है लेकिन यहाँ पर दूसरा सूत्र लगाया गया है। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पर
सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये एक्स टू है और ये एक्स वन, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 2 का वर्ग प्लस उसके बाद वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू क्या है यहाँ पर, ये वाई टू है वाई, और वाई वन है हमारा 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 का वर्ग बराबर 100। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 10 में से 2 गया तो 8 का वर्ग प्लस, अब y प्लस 3 ये की होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन रहा है, बिकॉज नंबर होता है तो सॉल्व होता है, पर यहाँ तो नंबर नहीं है इसलिए ये फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, देखो, ए स्क्वायर यानी y का वर्ग, बी स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 से 2 तिया 6 और y से गुणा होगा तो 6y आ जाएगा बराबर 100। 8 का वर्ग 64 प्लस y का वर्ग प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100। अब ये एक द्विघात समीकरण बन रहा है तो यहाँ पे y स्क्वायर को आगे ले लेंगे, प्लस 6y प्लस 64 और 9 हमारा हो गया 74 बराबर 100। ठीक है, तो y के वर्ग प्लस 6y बराबर 100 माइनस 74, तो 100 में से 74 गया यहाँ पर, तो कितना बचेगा हमारा, 100 में से 74 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, 64 और 73 होना चाहिए, सॉरी ये 73 है, यहाँ पर गलत हो गया, ये 73 है, बिकॉज देखो 100, ये 100 था और हमने 64 और 9 को जोड़ा तो 73, अब 73 का पक्षांतरण तो ये हो गया माइनस में, यहाँ पर कर देते हैं आगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब जो 100 में से 73 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 27, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 27 का पक्षांतरण तो ये हो गया माइनस 27 बराबर 0। ओके, ये द्विघात समीकरण बन चुका है, अब हम इसके करेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड करने के लिए आगे वाले नंबर पीछे वाले नंबर की गुणा, यानी कि 1 गुणा 27 कितना हो गया, 27, 27 का एलसीएम 3 निम 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो अब हमें 6 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 27 आए और प्लस या माइनस करने पर 6 आए। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, देखो 3 3 9 और 3, तो हमारे गुणनखंड बनेंगे 9 और 3। देखो कैसे, पहले हम लिखेंगे 9 फिर लिखेंगे 3, तो हमें प्लस का यहाँ पे 6 चाहिए तो बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का, 9 में से 3 गया तो हमें 6 मिला और 9 3 27, तो हमारे गुणनखंड हो गए 9 और 3। तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, वाई स्क्वायर हमेशा पहले बड़ा नंबर लिखना है, सॉरी मैंने गलती से छोटा लिख दिया, 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 9, यहाँ भी y प्लस 9 बराबर 0, इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, माइनस माइनस की चेकिंग करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे हमारा माइनस ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर आ गया y माइनस 3, y प्लस 9 बराबर 0, दोनों के शून्य निकाल लेंगे, y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0, y बराबर 3 का पक्षांतरण प्लस का हो जाएगा, y बराबर माइनस 9 हो जाएगा यहाँ, तो हमारा आंसर y की दो कीमतें हो सकती है, या तो माइनस 9 और या प्लस 3, जो कि हमें फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें क्यू दिया है, पी दिया है और आर की वैल्यू दी है, एक्स और 6। ठीक है, तो कह रहे हैं समानांतर पर हो, एक्स की कीमत फाइंड करनी है, क्यू आर और पी आर भी हमें यहाँ पर निकालना है, तो चलिए शुरू करते हैं, पी क्यू बराबर आर क्यू, क्योंकि बोला है यहाँ पर समानांतर पर हो। ठीक है, तो P के पॉइंट्स हैं 5 माइनस 3 और Q के पॉइंट्स हैं 0 और 1, तो यहाँ पर पहले बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे।
अब स्क्वायर करने के बाद इन वैल्यूज़ को रखते हुए अंतर सूत्र का इस्तेमाल करके वैल्यूज़ को रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5-0 का वर्ग अंतर सूत्र लगा रहे हैं हम, प्लस -3-1 का वर्ग बराबर x-0 का वर्ग प्लस 6-1 का वर्ग। ओके, अंतर सूत्र लगा दिया है हमने, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 0 गया, 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा -4 का वर्ग बराबर यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। 6 में से 1 गया तो 5 का हो जाएगा वर्ग, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 का वर्ग 25 प्लस 4 का वर्ग 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो 25 को यदि हम इधर ले जाएं या 25 को इधर लेके आएं तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 16, सॉरी ये बराबर है एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब एक्स बराबर हो गया 16, ये वर्ग इधर आके रूट हो जाएगा। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, तो एक बारी प्लस में जाएगा एक बारी माइनस में जाएगा, ठीक है। दो आंसर होंगे हमारे, या तो x बराबर 4 या x बराबर -4, ठीक है। अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है QR और PR भी निकालना है, तो अब हम निकालेंगे QR। तो QR निकालने के लिए पहले Q के पॉइंट देख लेते हैं। Q के पॉइंट क्या क्या है यहाँ पर, Q के पॉइंट है 0-1, ठीक है, 0-1। और R के पॉइंट क्या है हमारे, R के पॉइंट हैं x और 6, R के पॉइंट हैं x और 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे QR निकालेंगे अंतर सूत्र का यूज़ करते हुए, तो ये हो जाएगा 0-x का वर्ग प्लस 1-6 का वर्ग, और ये आ जाएगा रूट। ओके, तो अब यहाँ पर देखो 0 तो कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 6 में से 1 गया 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हमारा आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ पर देखो अभी हमारी वैल्यू क्या आई है, x बराबर 4 और -4, तो दोनों वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। यहाँ पर हम रख देंगे 4 का वर्ग प्लस 25, ओके, और यहाँ पर डाल देंगे रूट। तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 प्लस 25, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 16 और 25 हो गए 41, ठीक है। तो ये हमारी QR की वैल्यू आ गई √41। हम यहाँ लिख देते हैं QR बराबर रूट में 41, ये हो गया QR। अभी हमें PR भी फाइंड करना है, तो PR यहाँ पे लाइन डालते हैं पहले ताकि अलग अलग पता चले। अब PR भी निकालना है, तो P के पॉइंट्स क्या हैं हमारे, देखो P के पॉइंट्स हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, P के पॉइंट्स हैं 5-3, ठीक है, और उसके साथ R, तो R के क्या पॉइंट्स हैं, x और 6, R बराबर x और 6। तो अंतर सूत्र का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे हम, 5-x का वर्ग प्लस -3-6 का वर्ग, और ये आ जाएगा हमारा रूट। ओके, अब हम निकाल रहे हैं PR, तो यहाँ PR लिख लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, 5-x का वर्ग एज इट इज़ प्लस -3-6 हो जाएगा 9, तो 9 का वर्ग 81, और ये आ गया रूट। अब यहाँ पे x है, ठीक है, तो इसको एक बारी x बराबर 4 के लिए, यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे, एक बारी +4 लेंगे एक बारी -4 लेंगे, PR में रख रहे हैं तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर हम 4 रख रहे हैं, 5-4 का वर्ग प्लस 81, और ये आ गया रूट।
बराबर, तो यहाँ पर 5 में से 4 गया तो हो जाएगा 1, 1 का वर्ग प्लस 81, और ये रूट, एक का वर्ग एक ही होता है 81, और 1 हो गया हमारा 82, तो रूट में आ गया 82। ठीक है, अब x बराबर 4 हो गया, अब x बराबर -4 के लिए PR में हम रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम रखेंगे -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस -4, और इस पे आ जाएगा वर्ग प्लस 81, और ये आ गया रूट। ठीक है, तो 5 माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है, और इस पे आ गया वर्ग प्लस 81, और ये आ गया रूट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और 4 हो जाएंगे हमारे 9 का वर्ग प्लस 81, फिर आ गया रूट। अब 9 का वर्ग कितना हो गया 81 प्लस 81, और ये आ गया रूट। 81 और 81 को जोड़ेंगे तो आएगा 162, और ये आएगा रूट में, तो 162 का अब हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पर ले देते हैं छोटा छोटा, 2 से होगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 और दूनी 6, और 3 सत 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पर 3 है, 2 लग गया गलती से। तो इसमें क्या होता है, पेयर में से बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे कर देते हैं 2 × 3 × 3 × 3 × 3, ये डाल दिया रूट। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, हम पेयर में से बाहर निकालते हैं, तो 3 निकाल लिया और 3 निकाल लिया, अंदर क्या गया रूट में 2 रह गया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 3 × 9 √2, ये हमारा आंसर आया है पी आर का, जिसमें हमने -4 वैल्यू पुट की है एक्स की जगह। ओके, तो हमारे आंसर यहाँ पर आ चुके हैं, एक्स की वैल्यू आ गई है प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्यू आर आ गया √41, देखो ये क्यू आर है, ये आ गया हमारा √41 जो हमें फाइंड करना था। पी आर आ गया √82, ये देखो ये पी आर है, ये आ गया √82। ठीक है, और उसके बाद 9√2, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बोला है बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 समान अंतर है, तो ये भी हमने पहले किया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है समान अंतर का, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे पी ए बराबर पी बी, और फिर दोनों का कर देंगे वर्ग। ठीक है, ये पी के पॉइंट हैं, ये ए के और ये बी के, तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर सम अंतर सूत्र की मदद से इसे हम सॉल्व करेंगे, अंतर सूत्र लगाना है हमें यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा पी और ए के पॉइंट, यानी अभी पी और ए के पॉइंट लेने हैं एक बारी, और फिर पी और बी के पॉइंट, और हमें समान अंतर सूत्र का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 6 का वर्ग बराबर, ये पी ए के पॉइंट ले लिए, अब हम लेंगे पी बी के पॉइंट, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का वर्ग प्लस वाई माइनस 4 का वर्ग। ओके, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है इसलिए ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9 माइनस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 × 6x। ओके, तो ये हो जाएगा -6x। ठीक है, ये सूत्र लग गया यहाँ पर, अब यहाँ पर भी सूत्र लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो ए स्क्वायर यानी y का वर्ग, बी स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग 36 -2ab, तो -2ab यानी 6 × 12 और y, तो ये हो जाएगा -12y। यहाँ पर भी सूत्र लगेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी x का वर्ग प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 2ab, तो 2ab यानी 2 × 6x, कितना हो जाएगा ये 6x। ओके, अब यहाँ पर भी सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
ए स्क्वायर यानी वाई का वर्ग, बी स्क्वायर यानी फोर का वर्ग 16, और यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2 से 4 दुनी 8 और ये हो जाएगा y, माइनस 8y। यहाँ पर सभी में सूत्र लगे हैं, अब इसे हम करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का होगा, यहीं कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू देखो, यहाँ पर ये x है और यहाँ पर भी x है, ठीक है, तो ये सॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज माइनस 6x ये रहा, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है। अब वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे आके माइनस का होगा, तो यहीं पे इसको ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज प्लस माइनस का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा वाई, तो वाई के नंबर्स ये रहे माइनस 12 और माइनस 8y, ठीक है, तो माइनस 12y और ये माइनस 8y है, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस 8y हो जाएगा, ओके। उसके बाद नंबर्स देखिए, ये प्लस 9 और ये 36, तो 36 और 9 हो गए 45, ये हमारे इसी साइड के हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नंबर है 16 और 9, तो 16 और 9 हो गए 25, कितने हो गए, ये उस तरफ से है ना, 16 देखो 16 और 9 हो गए 25, प्लस के हैं तो ये इस तरफ आएगा, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। सभी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व कर दिया है, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया माइनस 12x, ठीक है, माइनस 12 में से प्लस का हट गया तो माइनस 4y, 45 में से 25 गया तो यहाँ पर बच गया 20 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसको देखो, सभी में से 4 कॉमन ले सकते हैं, बिकॉज ये तीनों नंबर्स 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो सभी में से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया 3x, ओके, और यहाँ पर आ गया माइनस वाई, और यहाँ पर आ गया 4 5। कॉमन लेने का मतलब है सभी ये 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो 4 3 4 1 और 4 5, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0। लेकिन अब पहला नंबर है ना, वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो अब माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सभी के निशान यहाँ पर उल्टे हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का वाई और ये हो जाएगा माइनस 5 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।